एल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक थे, लेकिन आज मैं आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन के कुछ तीन बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट फैक्ट्स बताने वाला हूँ। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिलने के बावजूद भी उन्होंने अपना नोबेल प्राइज़ किसी और को क्यों दे दिया और किसे दिया, और FBI ने 10 सालों से भी ज़्यादा तक एल्बर्ट आइंस्टाइन का पीछा क्यों करके रखा था, और लास्ट वाला फैक्ट तो माइंड ब्लास्टिंग फैक्ट है। आप बोलोगे भाई गजब वीडियो है तेरे यार, सच। नंबर वन, आइंस्टाइन की शादी मिलिवा मार्लिक नाम की एक लड़की से हुई थी जो कि इनकी पहली वाइफ थी, लेकिन कुछ सालों बाद इनके रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं थे, तो इसके कुछ सालों बाद आइंस्टाइन ने अपना घर छोड़ दिया और वो अपने कज़न एल्सा के पास चले गए जो कि लड़की थी, और इन्होंने उनसे भी शादी करने की सोची, यानी कि सेकेंड वाइफ। लेकिन पहली वाइफ इनको तो प्यार नहीं करती थी, लेकिन ये इनको डिवोर्स भी नहीं देना चाहती थी, इसलिए जब आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला तो इनकी फर्स्ट वाइफ ने इनको बोला कि अगर आप मेरे को अपनी नोबेल प्राइज़ की प्राइज़ मनी दे दोगे तभी मैं आपको डिवोर्स दूंगी। तो आइंस्टाइन को अपनी फर्स्ट नोबेल प्राइज़ की जो प्राइज़ मनी है वो देनी पड़ी, तभी जाकर इनको डिवोर्स मिला। और फिर इन्होंने अपनी कज़न एल्वा के साथ शादी कर ली, बस गेम ख़त्म। नंबर टू, ये 1932 से पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन बर्लिन जो कि जर्मनी की कैपिटल है वहीं पर रहा करते थे, लेकिन फिर इन्होंने ये 1933 के बाद जर्मनी छोड़ दी, और इसी टाइम पर हिटलर का राइज भी हुआ था। हिटलर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आइंस्टाइन बर्लिन से USA चले गए थे। फिर आइंस्टाइन USA के न्यू जर्सी के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अक्सर स्टडी करने के लिए वहीं पर रहा करते थे, और इसी बीच USA का एक FBI ऑफिसर उन पर हर वक्त नज़र रखा करता था। इवन 10 साल से ज़्यादा, यानी कि एक डेकेड से ज़्यादा टाइम तक उस FBI ऑफिसर ने आइंस्टाइन पर अपनी नज़रें गड़ाए रखी, चाहे वो जहाँ जाते थे वो उसके पीछे पीछे जाता रहता था, और आइंस्टाइन को इसका खबर बिल्कुल भी नहीं थी। और जब ईयर 1955 में आइंस्टाइन की डेथ हो गई थी तभी उस जो FBI ऑफिसर था उसने 1800 पेजेस की एक बुक, हम कह सकते हैं नोट्स लिखे थे आइंस्टाइन के बिहेवियर और आइंस्टाइन क्या करते थे उसके बारे में। इजंट इट वेयर्ड। नंबर थ्री, और आज का सबसे स्पेशल फैक्ट, अप्रैल 1955 में जब आइंस्टाइन की डेथ हो गई थी तो इसके बाद थॉमस हार्वे नाम के एक डॉक्टर साइंटिस्ट ने आइंस्टाइन के ब्रेन के चेकअप के लिए उनका ब्रेन निकाल डाला। जी हाँ, वैसे इसे हम आइंस्टाइन के ब्रेन की चोरी भी कह सकते हैं। जी हाँ, थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के ब्रेन की चोरी कर ली, और फिर इस पर बहुत सारी रिसर्चेस और चेकअप करनी शुरू हो गई। और फिर कुछ सालों बाद जब थॉमस हार्वे के दिमाग में कुछ पल्ले नहीं पड़ा कि क्या है आइंस्टाइन के दिमाग में खास, तो उन्होंने इसे अलग अलग पीस में डिवाइड कर अलग अलग जगहों पर अलग अलग साइंटिस्ट को दे दिया, और बहुत सारी रिसर्चेस के बाद आइंस्टाइन का जो ब्रेन है उसके बारे में बहुत सारे कंक्लूजन्स निकले, जिनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे चोरी हुआ था आइंस्टाइन का ब्रेन एंड बहुत सारी चीज़ें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।